क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि हमारे पास गोल्ड का एक फॉइल है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गोल्ड का एक आपके पास सीट है ऐसा करके, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन दिया हो, अब देखिए गोल्ड है तो गोल्ड है तो इसका सीट हो गया, तो सीट है इसका मतलब इसका डायमेंशन दिया हुआ। डायमेंशन क्या दिया हुआ है, तो डायमेंशन आपको देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ और थिकनेस भी दिया। इसका मतलब इस गोल्ड के टुकड़े का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो आप करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 0.25, और अगर आप इन सबको सॉल्व कर देंगे तो ये 250 आ जाएगा। कितना जगह बचो, 250 आर आप करके देखेंगे, ये मिलीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर है। हमसे पूछा है कि इस टुकड़े के अंदर गोल्ड के कितने एटम होंगे, तो हम सोच रहे हैं कि पहले ये हमें पता चल जाए कि गोल्ड का आखिर कितना मास होगा। तो आप देखिए मिलीमीटर क्यूब में, अगर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे समझ से ये आपका आ जाएगा 25 × 10⁻³। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास इस गोल्ड का वॉल्यूम निकल के आ गया, इस गोल्ड का जो वॉल्यूम था वो इतना सेंटीमीटर क्यूब है। आप डेंसिटी को देखिए क्या कहता है, कहता है अगर गोल्ड के 1 cm³ का मास निकालें तो इतना आता है। तब सोचिए आपके पास इस टुकड़े का वॉल्यूम इतना है, और कहता है कि अगर गोल्ड के पास आपके पास एक ऐसा टुकड़ा है जिसका वॉल्यूम 1 cm³ है तो उसका मास इतना है। या आप डेंसिटी का बेसिक यूनिट से अगर यूनिटरी नहीं लगाना चाहते तो डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं, दोनों एक ही चीज़ होता है, लेकिन हम यूनिटरी को थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो 1 cm³ का मास इतना है, तो आपके पास टोटल गोल्ड का इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो सोचिए क्या आपको यहाँ से मास ऑफ गोल्ड मतलब AU मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगा हमें, ये हो गया इतना, गुना आप इसमें कर देंगे 19.32, ठीक है। ये आपके पास इतने गोल्ड के मास आ गए। सोचिए गोल्ड एक एलिमेंट है, अगर हमारे पास इतने मास गोल्ड के हैं तो क्या हम मोल निकाल सकते हैं। अब मोल का फॉर्मूला यूज करें, या आप यहाँ भी यूनिट लगा सकते हैं कि गोल्ड का देखिए एटॉमिक मास इतना दिया हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि एक गोल्ड का मास ग्राम के अंदर इतना ग्राम होगा। तो हम सोचिए कि अगर आपके पास इतने ग्राम हैं टोटल, ठीक है, तो हमारे पास मोल कितने हो जाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा 250 × 10⁻³ × 19.32, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, इतने मास डिवाइडेड बाय इसका आपको एटॉमिक मास है। आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको मोल आ जाएगा, लेकिन आपको तो मोल पूछा नहीं है, आपसे पूछा नंबर ऑफ एटम। तो अगर आपके पास गोल्ड के मोल आ गए तो क्या आप नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा बच्चों, ये आप देखते रहें, इतना तो हमारे पास मोल था ही। अब इसी में हमको गुना करना होगा एवोगाड्रोस नंबर से, 0.622 इंटू हो जाएगा आपका 10⁻²। आप अगर इन सबको आप सॉल्व कर लेते हैं सिर्फ 10⁻²³ को छोड़ के, तो ये आपको मिलेंगे 0.147। मैंने कर रखा है, आप लोग कर लेंगे, 10⁻²³ आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 1.47 × 10⁻²। तब देखिए सही आंसर आपका क्या रहा, डी आ रहा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप आइए क्वेश्चन नंबर 28, ये बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक पहला एक अच्छा सवाल मिला है 28। इसका देखिए एक छोटा सा हम ट्रिक आपको बताते हैं क्या करना होता है। ऐसे आपको किसी भी मिक्सर की बात अगर मैं करूं, किसी भी मिक्सर की बात करूं, ठीक है, ये मिक्सर एनालिसिस में पढ़ाया जाता थ्योरी, आप अगर पढ़े होंगे सही ढंग से तो आपको पता भी होगा। अब देखिए अगर हमारे पास कोई मिक्सर होता है तो मिक्सर में ए और बी कंपोनेंट होंगे, तीन कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो इनके अंदर हम लोग क्या एक्चुअली करते हैं कि इसके अंदर जो जो कंपोनेंट होता है उनका इंडिविजुअल मास निकालते हैं। इंडिविजुअल मोल का सवाल आएगा, कितने परसेंट हैं मास के रेशियो में बाय मोल, ये बाय मास वो निकालना होगा, बाय मोल ये निकालना होगा, सब कुछ निकालना होता है। तो अगर आपसे कभी परसेंटेज बाय मास पूछता है, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का, तो आप कहते क्या है ना कि उस कंपाउंड का मास मतलब मास ऑफ ए अगर मान लीजिए
आप मिक्सचर में ए का परसेंटेज देखना चाहते हैं तो ए का मास ले लीजिए, ऊपर नीचे क्या करेंगे मिक्सचर का मास ले लीजिए, टोटल मास जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और इनटू 100 कर दीजिए। इसी तरीके से अगर परसेंटेज बाय मोल निकालना हो, हम अभी बात सिर्फ ए का कर रहे हैं, मतलब है जिसका परसेंटेज बाय मोल निकालना हो उसका आप मोल ढूंढ लें इसके अंदर मिक्सचर में अकेला कितना मोल है, और नीचे टोटल मोल ले लें, ठीक है, टोटल मोल मतलब पूरे मिक्सचर का, और इनटू वापस आप 100 कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये पार्ट पूरा हमारा इधर चलेगा। अब देखें, एक तो ये दो फॉर्मूला परसेंटेज बाय मोल और परसेंटेज बाय मास निकालने के, लेकिन ये सब फॉर्मूला आप तब लगाएंगे ना, ये सब फॉर्मूला आपको तब काम आएगा जब आपको इंडिविजुअली मास पता होना चाहिए, टोटल मास मिक्सचर का पता हो, उसी तरह से बाय मोल निकालने के लिए इंडिविजुअल मोल पता होना चाहिए, टोटल मोल पता होना चाहिए, ठीक है, तब आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं सवाल। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मिक्सचर में क्या क्या आपको पता है, ध्यान से सुनिए, इस पूरे मिक्सचर का मॉलिकुलर मास पता है, पूरे मिक्सचर का मॉलिकुलर मास पता है, ठीक है, जो कि अभी फ़िलहाल 29 दे रखा, क्यों, क्योंकि अभी ये एयर यूज किया हुआ है, और एयर को हम लोग हमेशा गैसेस मिक्सचर मानते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली होते हैं। तो जो अभी हमारा एक काम कर रहा था वही अब N2 करेगा, जो B था वो O2 हो गया। अगर आपको कभी भी पूरे मिक्सचर का एवरेज मॉलिकुलर मास पता है, या आप यूँ सोचें कि दिए गए डाटा से आप अगर एवरेज मॉलिकुलर मास निकाल पा रहे हैं, ठीक है, दूसरी बात कि उसमें जो जो कंपोनेंट हैं, जो जो कंपोनेंट हैं, अगर उनका आपको इंडिविजुअल मोलर मास पता है, जैसे हमको नाइट्रोजन है तो इसका भी पता है, ऑक्सीजन है इसका भी पता, अगर आपको कभी भी ये तीन चीज़ मिक्सचर में पता है, ये तीन चीज़ मिक्सचर में पता है, तो आपसे कभी भी अगर परसेंटेज बाय मोल किसी कंपोनेंट का पूछता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें, आपका सवाल बहुत फास्ट बन जाएगा। परसेंटेज बाय मोल ऑफ N2, हम N2 निकालने की चर्चा करते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन में N2 के बारे में ही पूछा, ऑक्सीजन का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। अब देखिए इसका क्या तरीका होता, ध्यान से समझें क्या करना आपको, जब भी ये तीनों डाटा आपके पास दिया हुआ है तभी आप ये लगा सकते हैं, वरना ये काम नहीं करेगा, और काम करेगा भी तो आपको बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर नाइट्रोजन का आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, ये सीख लें, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल और आगे भी मिलेंगे आपको, ये अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो इस कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना, तो इसके मोलर मास को छोड़ दें, जो बाकी बच गया तो बचेगा एक मिक्सचर और एक अगला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तो इन दोनों के मास का डिफरेंस लेके ऊपर रख दें, तब देखिए ये 29 और ये 32 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 32 में 9 को 29 को घटा देते हैं, चूँकि हमें ज़्यादा में कम को घटाना हर हमेशा, ठीक है, मास निगेटिव नहीं ला सकते। दूसरी बात कि अगर आप ऊपर तो हो गया, हम नीचे की बात करते हैं, तो नीचे में क्या करना कि दोनों कंपोनेंट के मास मोलर मास को घटाना, तो ये वापस आपको आ जाएगा 32 माइनस 28, अगर आप इतना कर देते हैं ना तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, ये क्या आ जाएगा मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन, किसी एक कंपोनेंट का परसेंटेज नहीं पूछ के मोल फ्रैक्शन भी पूछता, आपको एक सवाल आगे मिलेगा अभी कि मिक्सचर के अंदर आपको मोल फ्रैक्शन पूछेगा, तो अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो यही मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन अगर आपसे परसेंटेज पूछा तो आप 100 में गुना कर दें, समझ में बात आ गया, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे समझ से आ जाएगा आपका 75%, आप सॉल्व करके देख लें, ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगाना पहले सीख लें। हम क्या बोल रहे हैं कि ये अगर तीन चीज़ कभी भी आपको मिक्सचर में डायरेक्टली पता हो, या अगर जो डाटा वहाँ पे दिया हुआ उससे आपको लगता है कि ये तीनों चीज़ हम निकाल पाएंगे, तो आप शॉर्टकट ये फॉर्मूला लगा दें। ये फॉर्मूला लगाने का तरीका हम क्या बता रहे हैं बच्चों, कि आपके पास जिस कंपोनेंट का परसेंटेज बाय मोल पूछा है, ध्यान से सुने ये बाय मोल है, तो उसका मोलर मास छोड़ दें, उसके अलावे जो जो मिक्सर में बच रहे हैं, तो मिक्सर में बचें क्या, क्योंकि हमें ये दो ही कंपोनेंट है, तो दो ही कंपोनेंट में ये फॉर्मूला भी आपका काम करेगा, तो दो कंपोनेंट के लिए हम लोग ऐसे कर लें, तीन में भी काम करेगा लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दो में आप फ्रिक्वेंटली यूज करें ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है।
अब देखिए ये दोनों का मास घटा के ऊपर रखना और जो ओरिजिनल मिक्सचर था ठीक है जिससे मिक्सचर बना है एन टू रो टू उसका मास नीचे, तो इतना करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आएगा, सॉस गुना कर देंगे परसेंटेज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का बाई मोल परसेंटेज इसके अंदर एयर के अंदर 75% आएगा। दूसरी है कि अगर आपको बाई मास निकालना, क्या निकालना हो, बाई मास निकालना ऑफ एन टू, तो जब आपको बाय मास निकालना हो तो पहले आप क्या करें, बाय मोल पता करें, जो कि हम पता कर चुके हैं, बाय मोल उसी का जिसका आपको बाय मास निकालना उसी का बाय मोल यूज करें, उसके बाद मोलर मास यूज कर दें, मोलर मास ठीक है। किसका यूज करेंगे, तो जिसका निकालना उसी का एंटूब निकालना, एंटूब नीचे क्या कर दें, पूरे मिक्सचर का मास, पूरे मिक्सचर का मास। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रख देंगे 75, मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँ क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहाँ के बाद से हम यहाँ सोल्व करें, 75 हो जाएगा मोलर मास आपका N2 का हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास AM 29। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये आपको निकल के आएगा 72.41%। अब देखिए ये बाय मास हो गया और ये बाय मोल हो गया, तब ऑप्शन अगर गौर से देखें तो कहता 70% बाय मास, बाय मास तो 75% नहीं आ रहा, 75% बाय मोल ये सही था और 72.41% बाई मास है, तो बाई मास भी ये सही था। इसका मतलब अब देखें तो पहला और ये दूसरा और तीसरा सही ऑप्शन है। तो अब देखिए ये किस में बोल रहा है, ये सी में बोल रहा है, तो इस तरीके से। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मिक्सचर के सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो आप इस तीनों को ध्यान रखें और ये दोनों फॉर्मूला लगाने आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर ये लगाने जानते हैं तो ये आराम से बना सकते हैं। ये कैसे आता वो सब बच्चों हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, आप डायरेक्ट यूज करना सीखें, फॉर्मूला आपको सवाल बन